नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल e-learning classes में। आज तारीख है 22 और 22 अप्रैल की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का पार्ट मैंने शुरू किया है 12 अप्रैल से। जो भी दोस्त, जो भी साथी आज नए जुड़ रहे हैं, वो 12 अप्रैल से करंट अफेयर्स को देखना शुरू करें और करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को जो भी करंट अफेयर्स वाली है सबके साथ शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, जिससे कि आने वाला कोई भी आपके लिए वीडियोस है वो मिल जाए। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करो जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए, टाइम से आप वीडियो को देख लो, क्योंकि फिर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी आपके पास, फिर आप देख नहीं पाओगे। इससे अच्छा है मैं छोटी छोटी सी वीडियो आपको दे रहा हूँ जीएस की भी और करंट अफेयर्स की, तो साथ के साथ देखो, बोझ बन जाएंगी फिर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, टाइम बेकार नहीं करते। पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर होगा इसका भारतीय खेल प्राधिकरण। आंसर क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण, मतलब बैडमिंटन संघ ने और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखो यहां पर ये टर्म आया आपके लिए बैडमिंटन संघ, तो बैडमिंटन संघ की अगर स्थापना की बात करोगे तो बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी 1940 में। बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी 1940 में। बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और बैडमिंटन संघ के अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हिमांता विश्वा शर्मा। हिमांता विश्वा शर्मा क्या है? हिमांता विश्वा शर्मा बैडमिंटन संघ के अभी प्रेसिडेंट है। 1940 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी तरीके से भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर बात की जाए, ठीक है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 को। 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। और भारतीय खेल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? दिल्ली में ही है। कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव है संदीप प्रधान। कौन है इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव? संदीप प्रधान है। 1984 को इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, संदीप प्रधान इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इस टाइम पर। और भारतीय खेल प्राधिकरण की जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इसकी मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपको पहले वाले क्वेश्चन से इतनी सारी चीजें याद रखनी है, पूरी डिटेल्स मैंने इसको बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि आने वाले किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये कार्टून घर में ना देखा हो। ठीक है, सबने ही देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने नहीं देखा हो। ठीक है, किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक, क्या नाम है इनका, जीन डिस का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो वो कार्टून कौन सा था? टॉम एंड जेरी, और ये सभी ने देखा होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब अगर एनिमेशन की दुनिया में अगर तहलका मचाने की बात अगर कही जाती है तो इनका नाम आता है भाई, जीन डिश का नाम आता है इसमें। तो इनका 95 इयर्स की एज में डेथ हो गई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टॉम एंड जेरी के जो निर्देशक थे उनका नाम क्या था? जीन डिश था। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो इसको यार प्लीज याद कर लो, रट लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चंस कितनी बारी आ चुका है पेपर में, कितनी बारी आ चुका है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी विश्व दिवस। पृथ्वी विश्व दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। ICMR ने अपनी रिसर्च में बताया है
कि जापान और अमेरिका को छोड़कर दूसरे स्थान पर कौन सा देश है जिसने कोरोना को कंट्रोल किया है, तो वो अपना ही देश है भारत। और पहले नंबर पर कौन है इसमें, दक्षिण कोरिया, जिसने कोरोना को कंट्रोल किया है। और अपने दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। अब देखो यहां पर जो टर्म आया है ICMR, तो ICMR की फुल फॉर्म पूछ सकता है पेपर में, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की फुल फॉर्म है। ICMR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में। ICMR के जो सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है उनका नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव, ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है ICMR के, ठीक है, डॉक्टर बलराम भार्गव, याद कर लेना, ये आ सकता है कि बताइए ICMR के सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गव। 1911 में इसकी स्थापना हुई है दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है, डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन, डेपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है इसने, तो वो कौन से राज्य में किया है, अरुणाचल प्रदेश में, किसमें किया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, इसको बीआरओ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की आपको राजधानी याद कर रही है, याद ही होगी लगभग सभी को, ईटानगर है, क्या है, ईटानगर है। देखोगे अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, बीडी मिश्रा, क्या नाम है, बीडी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है। सभी दोस्त अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे, एक क्वेश्चन मैं रोज दे दिया करूंगा अब आपके लिए, तभी आप कमेंट करोगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है वो आप सभी लिखोगे, बहुत बहुत आसान नाम है, बहुत आ भी सकता है पेपर में आगे चल के, ठीक है। छठा देखोगे क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, कौन सी सरकार है जिसने मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए हेल्प नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो आंसर होगा इसका तेलंगाना, तेलंगाना की सरकार ने मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब देखो तेलंगाना की बात आती है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम की अगर बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, तो वह है चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बहुत टफ सा है, इसलिए गवर्नर का नाम मैं लिखूंगा यहां पर, तमिलीसाई, लिख लेना भाई तमिलीसाई, ये तो एक पूरा यहां पर रहेगा, तमिलीसाई सुंदरा राजन, तमिलीसाई सुंदराराजन, ठीक है ना, ये याद कर लेना भाई, तमिलीसाई सुंदराराजन यहां पर कौन है, गवर्नर है, और चंद्रशेखर राव कौन है यहां पर, सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वायरस बैंकिंग सेवा लॉन्च की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वायरस बैंकिंग सेवा शुरू की है, तो इसकी इसका नाम है ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वायरस बैंकिंग सेवा शुरू की है। देखो जो भी बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी ICICI की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ICICI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लिख लिया करो एक एक टर्म को, लिखो भाई याद हो जाएंगे सारी चीजें। ICICI की स्थापना हुई थी जून 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में है, और सीईओ कौन है इसके, संदीप बख्शी, कौन है, संदीप बख्शी इसके सीईओ है, ICICI सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनियो करसे, ये पूरा नाम है, लाइसेनियो करसे का निधन हुआ है,
तो लाइसेनियो कर से कहां के प्रधानमंत्री थे? फिजी। फिजी के प्रधानमंत्री हैं लाइसेनियो कर से का हाल ही में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री थे, रिसेंटली नहीं थे, ये 2000 से 2006 के बीच में यहां पर प्रधानमंत्री रहे थे, तो इनका निधन हो गया है। अब देखो यहां पर बात आती है फिजी की, तो फिजी की जो राजधानी है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सुवा। क्या है? सुवा। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। इंपॉर्टेंट रहेगी। फिजी की जो करेंसी है वो डॉलर है। क्या है? डॉलर है। और प्रेसिडेंट यहां पर कौन है? जोईजी कोन रोटे। देखो मैं नाम लिख देता हूं यहां पर फिजी के प्रेसिडेंट का, जोईजी कोन रोटे। ठीक है ना, जोईजी कोन रोटे यहां पर कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, इतना याद रखना है फिजी के बारे में। इसकी राजधानी याद रख लेना, राजधानी याद इंपॉर्टेंट है, सुबह कई बार आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट देखोगे किसने एक्टिविटी करोना, मतलब करो नहीं है, अलग अलग ये टर्म है, एक्टिविटी करोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है, तो किसने की है? लद्दाख ने की है। अब देखो लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, अलग से, कश्मीर से अलग करके। ठीक है ना, लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। का क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ दो जिले हैं। सबसे कम जिले वाला राज्य कौन सा है? लद्दाख। कौन कौन से हैं? लेह और कारगिल यहां पर जिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में किसने फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? रिपीट कर रहा हूं, किसने फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है? तो आंसर होगा इसका चार्ल्स लेकलर। चार्ल्स लेकलर। और ये कैसे हुई थी? ऑनलाइन हुई थी। कैसी हुई थी ये? ऑनलाइन, क्योंकि अभी सब बंद चल रहा है तो वैसे कोई नहीं हो रही है ग्राउंड पर, ये ऑनलाइन कराई गई थी। तो चार्ल्स लेकलर ने इसको जीता है। नाम याद कर लेना इसका, स्पोर्ट्स फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप थी। नेक्स्ट देखोगे 11वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। मोहम्मद रफी किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद रफीक, वो वाले मोहम्मद रफीक नहीं जो गाना गाते हैं, ये कोई और है। ठीक है, मोहम्मद रफीक किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्चायुक्त, नए उच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा ओडिशा। आंसर क्या होगा? ओडिशा। अब ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल, उड़ीसा के गवर्नर का नाम है। ठीक है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी, ये सब आप जानते हो। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? टाटा AIA, टाटा AIA है जिसने सबसे पहले कोविड-19 से संबंधित जो भी मरीज हैं उनके लिए लाभ देने की बात कही है या करी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया कपिल देव त्रिपाठी को। किसको? कपिल देव त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा किसने शुरू किया है? रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है। और रिलायंस के आप जानते हैं चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर होगा रिलायंस। फेसबुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि फेसबुक के जो संस्थापक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और 2004 से फेसबुक शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखोगे 16वां क्वेश्चन, किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है? ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है
धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। 17वां और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगहों को कौन सा जोन घोषित किया गया है। देखो, जहां पर बहुत ज्यादा मामले होंगे ना, उस जगह को रेड जोन बोला जाएगा। ठीक है, 85% का मतलब अब ये नहीं है कि वहां पर सभी लोग जितने भी हैं उनमें से 85% कोरोना से संक्रमित है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों की चेकिंग होती है, जिन लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, उनमें से 85% क्या निकल रहे हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित निकल रहे हैं। ठीक है, जिन पर संदेह होता है उन्हीं की होती है, सभी की नहीं होती है। अब देखो, उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ पर? त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राजधानी क्या है? देहरादून है। तो 17 क्वेश्चन आज की वीडियो में, देखो क्वेश्चन मैं बढ़ा ही देता हूँ, कम नहीं करता हूँ, क्योंकि बस आपका कोई पेपर में छूटे नहीं। यही मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी मिले आपको भरपूर मिले। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में देखो पीसीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और मैं सभी से करूंगा जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट है जीएस में, वो जरूर फॉर्म को फिल करें और मेरे साथ जुड़े रहें, मैं गारंटी से दे रहा हूं। और सही से पढ़ते रहे तो प्री इसी बार निकालोगे आप, चाहे पहला अटेम्प्ट हो आपका चाहे दूसरा अटेम्प्ट हो, इसी बार आपका प्री निकलेगा। ठीक, चलो यहां पर आज की वीडियो का यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 22 अप्रैल की वीडियो, ये करंट अफेयर्स का पार्ट समाप्त होता है। ओके, बाय, टाटा, जय हिंद।